नमस्ते, मैं डॉक्टर नेहा कंसल्टेंट हूँ बिरला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ पटना में, एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप मुझे आज कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं और इनफर्टिलिटी के बारे में हम डिस्कस। सबसे पहली बात तो, बच्चा अगर किसी दंपत्ति को नहीं हो रहा है, तो आपने जैसे अभी बोला महिला, तो महिला ही कारण नहीं होती है बच्चा नहीं होने का, ये एक मिथ्या है। फैक्ट ये है कि अगर किसी दंपत्ति को बच्चा नहीं हो रहा है, तो 1/3 केसेस में अगर महिला में कुछ प्रॉब्लम है, तो अगले 1/3 केसेस में पुरुष में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण बच्चा नहीं हो रहा है। और बचे 20-30% केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी में पुरुष या महिला दोनों में कुछ कारण है या कुछ प्रॉब्लम है, तो जिसके कारण बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो ये बोलना या ये सोचना कि सिर्फ महिलाएं में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण बच्चा नहीं हो रहा है, ये तथ्य से बिल्कुल परे है। इनफैक्ट 50-60% केसेस में पुरुषों में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण बच्चा नहीं हो रहा है। इसलिए जब भी किसी दंपत्ति को 1 साल प्रेगनेंसी के ट्राई करने के बाद भी अगर बच्चा गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए और उनका पूरा असेसमेंट पति पत्नी दोनों का होना चाहिए, ताकि सबसे पहले तो हम कारण जान सके कि प्रॉब्लम कहाँ है, पुरुष में, महिला में या दोनों में, जिसके कारण गर्भधारण नहीं हो रहा है, और फिर उसका इलाज होगा। कितने दंपति है जो शर्म से इस तरह का मामला लेके नहीं आ पाते हैं सामने में, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने एकदम फैक्ट बोला। WHO नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 डिजीजेस देखे, तो कैंसर और हार्ट डिजीज के बाद तीसरे नंबर पे इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आता है। बट 1% से कम दंपत्ति जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, वो सामने आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि बांझपन या निसंतानता के साथ सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। लोगों को लगता है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनमें कुछ कमी है। बट ये मैं आज आपके माध्यम से ये समाज में ये मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे कोई भी बीमारी होती है, उसके लिए हम इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर बच्चा ठहरने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए भी डॉक्टर है, और आप एक्सपर्ट ट्रीटमेंट से डेफिनेटली आपको बच्चा गर्भधारण में सफलता मिलेगी। और ये कोई शर्म या छुपाने की बात नहीं है, इससे कुछ आप में कुछ कमी नहीं है, ये एक बीमारी है जिसका सलूशन बिल्कुल संभव है। कैसे इसका पता लोगों को चले, कैसे दंपति को पता चले कि इस तरह का मामला है, इसमें पति में है या फिर वाइफ में है? वही तो मैंने बोला कि 1 साल अगर ट्राई करने के हो गया है, अगर कोई नया जोड़ा शादी हुआ है, या 1 साल से आप गर्भधारण के लिए ट्राई कर रहे हैं और 1 साल के बाद भी आपको गर्भधारण में सफलता नहीं मिलती है, तभी आपको एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट, जो कि एक्सपर्ट है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में, संपर्क उनसे जान के पास जाना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। वो आप पति और पत्नी दोनों का असेसमेंट करेंगे और फिर कारण जान पाएंगे हम, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। क्या क्या सावधानी है और कैसे प्रिकॉशन रहने का कुछ इसमें है कि जिससे? ऑब्वियसली सावधानी ये है कि आज की डेट में हमारा लाइफस्टाइल पहले से काफ़ी चेंज हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, यानी आजकल कोई एक अल्कोहल का इनटेक लोगों का बढ़ गया है, इतना एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, जिस सबका नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है प्रेगनेंसी या गर्भधारण पे। तो ऑब्वियसली हमें एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये स्मोकिंग, एल्कोहल, कोई भी टोबैको, जो भी धूम्रपान, ये सब नहीं करना चाहिए। एक हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, मोटापा भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है प्रेगनेंसी क्षमता पे, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, जो फूड स्टोर्ड है जिनमें प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा ज़्यादा होती है, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी वेट मेंटेन करें, तो वो हमें इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। एज फैक्टर भी है क्या इसमें शादी का? डेफिनेटली एज फैक्टर है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी एक बच्ची जन्म लेती है, तो वो अपने दोनों ओवरीज में लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ एग्स के साथ, यानी अंडे के साथ जन्म लेती है। तो जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, और स्पेशली अगर इंडियन सिनेरियो में बात करूँ, तो 35 के बाद अंडे की गुणवत्ता और अंडे की संख्या दोनों कम हो जाती है।
तो डेफिनेटली एज का इम्पैक्ट पड़ता है प्रेगनेंसी या गर्भधारण की क्षमता पे। इसीलिए 35 के बाद हम भारतीय महिलाओं में थोड़ा प्रेगनेंसी रेट या गर्भधारण करना थोड़ा प्रेगनेंसी रेट कम हो जाती है और उसके अनुपात गर्भपात या मिसकैरेज रेट बढ़ जाते हैं। पटना शहर में तो इस तरह का हॉस्पिटल है, लोग पहुंच जाते हैं, जो गांव देहात के हैं वो लोग कैसे आप लोग से संपर्क करें इसका कोई ना? बिरला फर्टिलिटी एंड IVF पे में हम इस चीज़ को जानते हैं कि इनफर्टिलिटी के बारे में आज भी अवेयरनेस बहुत कम है। जैसे कि मैंने बोला, सिर्फ एक इंडिया में टोटल अगर 28 मिलियन दंपत्ति हर साल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ इसके इलाज के लिए आगे आते हैं, तो इस चीज़ के लिए हमें अवेयरनेस इंक्रीज करनी है और एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है, यानी कि हर कोने कोने में लोगों को फर्टिलिटी एक्सपर्ट से कंसल्ट करने की सुविधा होनी चाहिए। तो बिरला फर्टिलिटी एंड IVF की यही चेष्टा है कि अगले 5 साल में इंडिया और इंडिया के बाहर हम कम से कम 100 से ज़्यादा सेंटर्स लाएं और हमारे एक्सपर्ट लोगों की सहायता कर सके। और जहां तक मैंने आपको बोला अवेयरनेस बहुत कम है लोगों के को इस बारे में, तो इसको भी बढ़ाने के लिए बिरला फर्टिलिटी एंड IVF की तरफ से हमारा OPD कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फ्री है, ताकि लोग अगर बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा लगेगा OPD में जाएंगे, तो कम से कम वो चीज़ को लेके पेशेंट एटलीस्ट फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलने आए। अब अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर नेहा गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।